नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अंगराज कर्ण के सम्मान में रविवार को अंग प्रदेश की धरती भागलपुर में जन जागृति मंच की ओर से कर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर समेत अंग क्षेत्र के विभिन्न जगहों से आए कलाकारों और स्कूली बच्चों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित नृत्य नाटक और नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी, जिससे सभागार में मौजूद लोग रोमांचित हुए और कलाकारों की जमकर सराहना की। इस दौरान वहां मौजूद अतिथियों ने अंग के महान दानवीर अंगराज कर्ण को नमन करते हुए सभी लोगों ने अपने गौरवशाली अतीत को याद किया और इससे संजोकर रखने के साथ उनके आदर्शों पर चलने एवं कई तरह की सीख लेने की बात कही। कर्ण महोत्सव में कई नृत्य संस्थान और नाट्य संस्थान के कलाकारों ने अपने अभिनय से जहाँ महोत्सव में रंग भर दिया, वहीं राजा कर्ण से जुड़े अभिनय की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने अंगवासियों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। वहीं कर्ण महोत्सव को लेकर संस्था के अध्यक्ष नंद किशोर पंडित ने बताया कि हमारा अतीत काफी समृद्धशाली है, लेकिन हम अपनी वास्तविक पहचान और गौरवशाली अतीत को भूलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि जो अपने इतिहास को झुठलाता है उसकी संस्कृति भी मिट जाती है। उन्होंने कहा कि महाप्रतापी महावीर योद्धा कर्ण को याद करने और अपनी संस्कृति को जागृत करने के लिए कर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिससे नई पीढ़ी भी अपने योद्धाओं और अतीत को जान कर प्रेरणा ले सके। मौके पर MLC डॉक्टर NK यादव, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, समाज सेवक विजय कुमार यादव, शंभू दयाल खेतान, डॉक्टर प्रीति शेखर, संगीता तिवारी, श्वेता सिंह समेत काफी संख्या में विभिन्न संगठन और दल से जुड़े लोगों के अलावा कलाकार और अंगवासी मौजूद रहे। आज का जन जागृति मंच का स्थापना दिवस है हमारा। आज कर्ण महोत्सव के नाम से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। सबको ज्ञात है कि अंग क्षेत्र के राजा कर्ण महादानवीर, महाप्रतापी और महान योद्धा थे। वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनकी मित्रता की मिसाल इस पृथ्वी पर दी जाती है। उनको लोग बड़े ही मित्र भाव के नज़र से देखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो अंगराज कर्ण, महादानवीर कर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे इस क्षेत्र में आज हम लोगों ने कर्ण महोत्सव करके उनकी स्मृति को ताजा करने की कोशिश की है और आने वाले समय में भी हम लोग लगातार इसका प्रयास करेंगे कि अंग की धरती पर कर्ण के नाम से संस्थान बने। आगामी 22 मार्च को लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की दूसरी वर्षगांठ को लेकर पटना ऊर्जा भवन में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर लेट्स इंस्पायर की ओर से भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लेट्स इंस्पायर के चीफ कोऑर्डिनेटर OP सिंह ने कहा कि लेट्स इंस्पायर एक ऐसी संस्था है जो महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप, फ्री ट्रेनिंग, मेडिकल कैंप, फ्री एजुकेशन समेत बिहार और बिहारियों के हित में कई कार्यक्रम चलाती है। इसके पैटर्न IPS और IT विकास वैभव है। OP सिंह ने बताया कि LIB परिवार ने अपनी समृद्ध विरासत और नदी क्षमता के बल पर एक दृष्टि और उद्देश्य के साथ एक शुरुआत की थी और हम सभी के लिए यह गर्व का क्षण है कि आज हम इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, समता और उद्यमिता के स्तंभ को राज्य की सांस्कृतिक जड़ से जोड़ना है, जो बिहार के लोकप्रिय वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है। मुख्य समन्वयक ने कहा कि अब तक 55,000 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं, जबकि वर्तमान में 950 से अधिक चैप्टर कार्यरत हैं। इस अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 22 मार्च 2021 को पटना तारामंडल सभा गारमे में हुई थी, जहां इसके दृष्टि को लेकर स्वयं IPS विकास वैभव ने एक विशाल युवा सभा को भी संबोधित किया था। इसके अलावा OP सिंह ने कहा कि बिहार का इतिहास काफ़ी पुराना और समृद्धशाली रहा है और किसी जमाने में पाटलिपुत्र से कांधार तक साम्राज्य फैला हुआ था, जबकि दुनिया भर से लोग बिहार में ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन अब फिर से बिहार को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए एक मुहिम चलाकर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेट्स इंस्पायर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए फ्री ट्रेनिंग और उससे आगे बढ़ाने के साथ सरकार से फंड दिलाने का भी कार्य करती है, जिससे सही गाइडलाइन प्राप्त कर बिहार के युवा आगे बढ़ सके। इसके अलावा दुनिया भर के बिहारियों को इस मुहिम से जोड़ने की बात कही गई। आप ये आगे आए और आप हमारे मुहिम में शामिल हों
और इसमें बिहार को हम लोग फिर उसी स्थान पे लेके चले जाएं जिस स्थान पे आज से हजारों साल पहले हमारा बिहार था। आज दुनिया में हर जगह हमारा बिहार के लोग थे। आज के दिन लड़के इतने इंटेलिजेंट हैं लेकिन गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग का ये मुहिम है कि हर तरीके से हम लोग स्टार्टअप को इनकरेज करें, मेडिकल साइड में लोगों को करें, आपके जो एंटरप्रेन्योर स्किल है उनको करें। हमारा चैप्टर जो है बिहार के अलावा, बिहार के लगभग हर जिला में हमारा एक चैप्टर खुला हुआ है, और इसके अलावा हम लोग का हैदराबाद चैप्टर भी है, तेलंगाना में हैदराबाद चैप्टर है, कर्नाटका में आप हमारा बेंगलोर में इसका चैप्टर है, मुंबई में हम लोग का लेट्स इंस्पायर बिहार का चैप्टर है, वहां भी हम लोगों ने अभी एक साल के अंदर 2-3 कॉन्फ्रेंस हम लोग वहां कर चुके हैं, और वहां के जितने बिहार के लोग बाहर के हैं उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंदी चक स्थित खुशी मैक्सिलो फेशियल क्लिनिक से शनिवार की देर शाम क्लिनिक का ही एक स्टाफ 15 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। फरार कर्मी की पहचान दाऊदपार सतघरा निवासी सुरजीत मंडल के 18 वर्षीय पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है, जो खुशी मैक्सिलो फेशियल क्लिनिक में कार्यरत था, जहाँ उसके मामा भी पिछले 18 साल से कार्यरत है। घटना को लेकर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर कुंदन शाह ने बताया कि क्लिनिक में टेबल के ड्रॉल को तोड़कर सुमन से पैसे निकालकर खिड़की से भाग निकला। वही इस मामले को लेकर क्लिनिक के संचालक ने तिलकामांझी थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर सुमन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है, जबकि उसके फरार होने से पुलिस आरोपी स्टाफ के पिता को अपने साथ ले जाकर थाने में पूछताछ कर रही है। आज अराउंड 7:30 बजे के आसपास मैं अपने चैम्बर से निकला, मुझे बाहर जाना था, मैं बासुकी धाम जा रहा था। मैं निकला जैसे ही, मैं कॉमन जैसे जा रहा था जगह, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद अराउंड 8:30 बजे एक रोगी मुझे कॉल किया, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके चैम्बर के बाहर हैं लेकिन आप हैं नहीं क्या? मैंने बोला नहीं मैं नहीं हूँ, तो कल आइए ठीक है। बोला एक लड़का अंदर से आवाज़ दिया कि हाँ सर नहीं है, मतलब अंदर पेशेंट नहीं आया, बाहरी बाहर को जवाब दे दिया गया नहीं हूँ। तब मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे बाहर से जवाब तो ऐसा नहीं दिया जाता मेरे यहाँ, क्योंकि पेशेंट अंदर आएगा तब ना आप जवाब दीजिएगा। मैं तुरंत कैमरा को ऑन किया, CCTV कैमरा मैं जैसे ऑन किया उसके बाद मैं देखा कि कैमरा ऑफलाइन है, मतलब पहले ऑन था, फिर 2-4 मिनट बाद जब मैं ट्रैक दोबारा करना चाहा तो वो ऑफलाइन था। एक लड़का हम लोग के उसके साथ ही एक लड़का भी यहाँ रुका हुआ था, वो बताता है कि उसको बोला कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे लिए खाना लाने जाओ, और वो बेचारा खाना लाने के बाहर से गेट बंद करके कि पेट में दर्द है कहीं सो जाएगा तो हम अंदर कैसे आएंगे। और फिर मैंने उसको कॉल किया कि तुम खाना लाने, वो बोला मैं खाना लाने आया हूँ। और जब तक हम लोग कैमरा में जब तक देखे कैमरा ऑफलाइन हो चुका था, बस जब तक ये बच्चा वापस आया तो गेट खोल के अंदर घुसा तो देखा खिड़की खुली हुई है और खिड़की से वो कूद के चला गया है। जब अंदर आया गया तो देखा कि मेरा काउंटर पूरा टोड़ा हुआ है और उसमें से पूरे कैश, मेरा ATM, मेरा पर्स जो भी था सब कुछ गायब हो गया। उसके अंदर एक मोबाइल था लेकिन मोबाइल लेके नहीं गया। लगभग कितना कैश था? लगभग अराउंड 15 लाख के आसपास। रामनवमी और रमजान को लेकर नाथनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से दोनों त्योहार संपन्न कराने को लेकर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। थाना के प्रभारी ने लोगों से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि बैठक में दोनों समुदाय के लोगों से विभिन्न समस्याओं पर बात हुई है, जिसके बाद लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि शराब कारोबारियों और शराबियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और शराब बेचने और पीने वालों पर नजर पड़ते ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इलाके के लोगों को भी कहा कि इस तरह की कोई जानकारी मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। इसके अलावा सामाजिक तत्व द्वारा पर्व के मौके पर शांति भंग करने के किसी तरह के प्रयास करने वालों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी और रमजान संपन्न कराया जा सके। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, जियाउर रहमान, कलीम अंसारी, देवाशीष बनर्जी, निजाहत अंसारी समेत काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। ये हमारा जो नाथनगर रोमनवमी चैती चैती दुर्गा रोमनवमी और रमजान के पावन बैठक हुआ नाथनगर थाना में, हमारा जिलाधिकारी महोदय डीओ साहब के साथ भी होगी बैठक। ये नाथनगर का चैती दुर्गा आन बान शान है, यहाँ 21 को महिला का कलश यात्रा निकलेगी और 22 से लेके 1 तारीख को विसर्जन है। और ये हमारा नाथनगर क्षेत्र ललमटी, हमारा मसूदनपुर और ललमटिया तीनों ठिया मूर्ति का विसर्जन होता है बड़े पैमाने पर, और यहाँ
सद्भावना मिला का आयोजन किया जाता है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ झूला, मौत का कुआं, बहुत चीज आते हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि जो हमारा व्यवस्था मिलता था, लाइट की व्यवस्था वहाँ, और हमारा नगर आयुक्त से मांग करेंगे कि वहाँ जो धुल्दा उड़ता है रोज शाम में पानी का छिटा हो जाए, कि माँ बहन को जो आठवीं नौवीं दसवीं बड़े पैमाने पर मेला जो लगता है उसमें रोज पानी शाम में छिटवा दिया जाए, जिससे मेला में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक बैठक जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद कहकशा परवीन, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह समेत प्रदेश और जिला स्तर के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड अध्यक्ष के साथ चर्चा कर आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में आगामी 9 अप्रैल को अनुमंडल स्तर पर होने वाले संवाद कार्यक्रम के अलावा 14 अप्रैल को कहलगांव में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक को संबोधित किया और संगठन की मजबूती के साथ चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने विचार रखे। इधर जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ 14 अप्रैल को होने वाले चौपाल कार्यक्रम से जुड़ी बातों पर चर्चा कर कई वरीय नेताओं का सुझाव लिया गया है, जिससे बिहार और बिहार की जनता के साथ आगामी चुनाव में पार्टी को भी इसका लाभ मिल सके। मौके पर संजय राम, शवाना दाऊद, विवेकानंद जयप्रकाश मंडल समेत विभिन्न प्रखंडों से आए पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भागलपुर जिला में अनुमंडल स्तर पर और 9 अप्रैल को कहलगांव अनुमंडल में एक भीम संवाद का कार्यक्रम प्रदेश से आयोजित है और 14 अप्रैल को जिला के सभी पंचायत में एक गांव में भीम चौपाल का आयोजन का कार्यक्रम प्रदेश से निर्धारित है। उसी दोनों कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज बैठक जिला स्तर पर सभी प्रखंड अध्यक्ष और बुलाया गया है, सभी जिला के प्रमुख अध्यक्षों को बुलाया और वरिष्ठ साथियों का बैठक बुलाया गया है। इसकी तैयारी कैसे हो या कार्यक्रम कैसे सफल हो, इसी उद्देश्य से आज बैठक बुलाई गई है। जनता दल यू के प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी ने ओवरलोडिंग के मामले को लेकर कहलगांव एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रविवार को अपने भागलपुर स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष विभूति गोस्वामी ने कहा कि 2 महापूर्व जिलाधिकारी और NHI के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एनटीपीसी प्रबंधन को ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए धर्मकांटा मशीन एवं संबंधित उपकरण लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बात भी अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जदयू नेता ने कहा कि धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर वाहनों को राशि भी मुहैया कराई जा रही है, जो कानूनन गलत है। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे खराब सड़क में शामिल भागलपुर कहलगांव NH80 पर बिहार सरकार ने ओवरलोडेड वाहन नहीं चलने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी NTPC प्रबंधन की लापरवाही और ओवरलोडिंग माल का पेमेंट करने से सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। बता दें कि सड़क के जर्जर हालत के कारण वहां रहने वालों के साथ भागलपुर समेत विभिन्न जगहों से आवागमन करने वालों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि NH80 को मोटरेबल किया गया है, जिससे आमजनों को आवाजाही की सुविधा मिल सके। फ्लाई एश के ओवरलोड वाहन के कारण फिर से सड़क जर्जर होने की संभावना है, जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की बर्बादी है। साथ ही विभूति गोस्वामी ने कहा कि अगर जल्द ही इस पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो वो कोर्ट में NTPC प्रबंधन के खिलाफ PIL दायर कर आंदोलन भी करेंगे। कम से कम जो सरकार का मानक है, जो सरकार का मानक है कि इस लोड कैपेसिटी जो है इसका, मतलब 10 टन का है या 20 टन का है, उस पर 40 टन 30 टन ओवरलोडिंग हो जाता है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी ने एक संयुक्त बैठक NTPC और एजेंसी के साथ NTPC में 14-12-22 को किया और कहा, वहां पर इनके प्रशासन, जिला प्रशासन ने एक बात को लाया, वासन मंडल DSP कहलगांव ने, कि ओवरलोडिंग के चलते जो है हम लोग को व्यवधान पैदा होता है। उस पर जो है उन्होंने कहा NTPC के प्रबंधन ने कि मैं इस पर तुरंत ही काटा लगवाता हूं, वे ब्रिज लगवा देंगे तो जितना टन की कैपेसिटी गाड़ी की है वही जाएगी। मैंने GGM NTPC से बात कि आपने 14-12-2022 को जिला पदाधिकारी के संयुक्त बैठक में आपने कहा था कि हम लगा देंगे, आज 3 महीना से ज्यादा हो गया, आपने क्यों नहीं लगाया और वो ओवरलोडिंग क्यों चला रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।